लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नहीं शक्तिमान, नहीं, रक्षा कवच को मत तोड़ो। शायद शक्तिपुंज हमारी बातों को स्वीकृति दे रहा है महागुरु। हो सकता है ये संकेत दे रहा हो कि इन आठ चीजों के मिलने से ही समाधान मिल सकता है। इसके सर के पीछे ये चक्र क्या? कहीं इन्हीं चक्रों के बारे में तो नहीं बताया था शक्तिपुंज ने? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बात का पता तुम्हें लाखों सालों बाद चलेगा। लाखों सालों बाद? हाँ, और शायद तुम्हें इस बात को जानने के लिए रहो भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें आज के समय में ही मिटा दूंगा। और अब देखिए, पेतोला को मिटाएगा तू। ब्रह्मांड के महाप्रेत पेतोला को मिटाएगा तू। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। पेतोला मिटने के लिए नहीं बना है, जीवन को मिटाने के लिए बना है पेतोला। समय का कष्ट कभी भी नष्ट हो सकता है देवी जी, ये शक्तिमान आ क्यों नहीं रहा है? समय कक्ष में आग लग चुकी है देवी जी, हमें यहाँ से वापस लौटना ही होगा। ये क्या कर रहे हो? नहीं द्विज, हमें शक्तिमान का इंतजार करना ही होगा। आप समझती नहीं है, हम लोग जल जाएंगे। तो बेशक जले, लेकिन शक्तिमान के बिना हम वापस नहीं लौटेंगे द्विज। उफ द्विज,
शक्तिमान जरूर वापस लौटेगा। हमें उसका इंतजार करना ही होगा, वो वापस जरूर आएगा। इसे मिटाना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं इसे मिटाना। आप अपने मस्तिष्क तरंगों से शक्तिमान को क्यों नहीं बुलाती? उसे शीघ्र बुलाइए ना। You mean, चली बात है? हाँ देवी जी, वही, उसे जल्दी बुलाइए ना। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। शक्तिमान, शक्तिमान। शक्तिमान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो शक्तिमान? हाँ गीता, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी आवाज। क्या हुआ वहाँ पर? शक्तिमान, शक्तिमान तुम यहाँ जल्दी आओ, वरना इस आग में जलकर हम खत्म हो जाएंगे। शक्तिमान जल्दी आओ। शक्तिमान, शक्तिमान तुम जल्दी आओ, प्लीज प्लीज शक्तिमान, शक्तिमान आग अंदर आ गई है। शक्तिमान जल्दी आओ प्लीज। बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी, लगता है हम नहीं बच पाएंगे। देवी जी, शक्तिमान, देवी जी हम नहीं बच पाएंगे। शक्तिमान जल्दी आओ, शक्तिमान, 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 शक्तिमान। मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा, इससे मैं बाद में निपट लूंगा। भाग गया, आया था प्रेतोला को मिटाने, भाग गया, भाग गया। क्या नाम बताया था उसने अपना? शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान जल्दी आओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शक्तिमान जल्दी आओ, शक्तिमान, शक्तिमान तुम कहाँ हो? जल्दी आओ शक्तिमान, शक्तिमान कुछ करो प्लीज। शक्तिमान नहीं बना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शक्तिमान, ओ गॉड, शक्तिमान, शक्तिमान जल्दी। शक्तिमान तुम लोग ठीक हो ना? हाँ शक्तिमान, अच्छा हुआ तुमने समय पर आकर हमारी जान बचा ली। हाँ शक्तिमान, वरना पता नहीं उस आग में क्या हो जाता। अच्छा शक्तिमान, तुम जिस काम से गए थे वो हुआ कि नहीं? हाँ पहला चक्र तो मिल गया मुझे, परंतु वहाँ मुझे प्रेतोला भी मिला था। प्रेतोला? हाँ, मेरे सामने उसने एक ग्रह को नष्ट कर दिया। तो तुमने उसका अंत क्यों नहीं कर दिया शक्तिमान? अगर तुम उसका अंत कर देते तो भविष्य भी नहीं बदलता, और भविष्य में वो पृथ्वी पर अंधेरा भी नहीं फैला पाता। मैंने कोशिश की थी उसे मिटाने की द्विज, पर मुझे लगता है कि उसको मिटाना असंभव है। प्रकृति का बनाया हुआ अमर प्रेत है। ओह, तो इसीलिए श्री सत्या जी प्रेतोला का अंत नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने भी रक्षा कवच बनाकर प्रेतोला से पृथ्वी की रक्षा की थी। लेकिन अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? करना क्या है, उन बाकी के साथ चक्रों को भी ढूंढना होगा हमें। अगर हमने देर कर दी तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। प्रेतोला हमारी पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा इस ब्रह्मांड से, जैसे थोड़ी देर पहले उसने उस ग्रह को मेरे सामने नष्ट कर दिया। इसलिए द्विज,
हमें समय रहते उन सातों चक्रों को ढूंढना होगा। पहला चक्र तो मुझे मिल गया द्विज, बाकी भी मिल जाएंगे शक्तिमान, परंतु वो चक्र मुझे समय यात्रा करके ही मिलेंगे। मुझे बताओ कि मेरी दूसरी समय यात्रा कौन सी थी। शक्तिमान, मुझे केवल अग्निकाल की यात्रा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह याद है। तो याद करने की कोशिश करो द्विज, हो सकता है कि तुम्हें दूसरी यात्रा भी याद आ जाए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देवी जी बचिए। शुक्रिया द्विज। जल्दी करो द्विज, जल्दी से याद करने की कोशिश करो। हमें कैसे भी इस संसार को फिर से जीवित करना है। मैं प्रयास कर रहा हूं शक्तिमान। देखो द्विज, ये भी मत भूलो कि इस समय शक्तिपुंज के आधे भाग के साथ सूर्यांशी और महागुरु अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। अभी वो सुरक्षित हैं, लेकिन हो सकता है कि ये प्रेतात्माएं और किलविश के दूत किसी भी क्षण उन तक पहुंच जाएं और शक्तिपुंज के उस आधे भाग को भी अपने कब्जे में कर लें। और अगर ऐसा सचमुच हो गया तो शक्तिमान? नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। यदि ऐसा हो गया तो मैं चाहकर भी पृथ्वी पर जीवन को वापस नहीं ला पाऊंगा। अभी केवल पृथ्वी की आधी आत्मा पर ही प्रेतोला का अधिकार है, लेकिन अगर किलविश के दूत अनुसंधान केंद्र के शक्तिपुंज तक भी पहुंच गए तो पूरी पृथ्वी की आत्मा पर प्रेतोला का अधिकार हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम सबका, मेरा भी अस्तित्व मिट जाएगा, यहां तक कि पृथ्वी भी चूर चूर होकर ब्रह्मांड में बिखर जाएगी। प्रेतोला जिस ग्रह पर भी जाता है उस ग्रह का यही हश्र होता है गीता। शक्तिमान सच कह रहा है देवी जी। इसीलिए मेरे समय यात्राओं को याद करने की कोशिश करो द्विज, याद करने की कोशिश करो। पृथ्वी को बचाने वाले वो 8 चक्र मुझे मेरी समय यात्राओं में ही मिल सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि याद करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा शक्तिमान, सचमुच मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा? समय यात्रा, अब हमें समय यात्रा ही करनी पड़ेगी। परंतु हम अब कौन से काल में जाएंगे? हर काल में जाएंगे हम द्विज, हर काल में जाएंगे। उन 8 चक्रों को ढूंढना बहुत आवश्यक है अगर हमें पृथ्वी को बचाना है। अग्निकाल के बाद हमें दूसरे काल हिमकाल में जाना होगा। पहला चक्र मुझे अग्निकाल में मिला है, हो सकता है कि दूसरा चक्र मुझे दूसरे काल हिमकाल में मिले। संभावना है, अगर अगर वहां भी नहीं मिला तो फिर कुछ और सोचेंगे, लेकिन ये कोशिश तो हमें करनी ही होगी। तो ठीक है, चलते हैं। हाँ यह है हिमकाल, अग्निकाल के बाद का काल। इतना सारा बर्फ, इसे देखकर तो ताज्जुब होता है कि यही पृथ्वी पहले आका गोला थी। सब कुदरत का खेल है गीता, और वैसे तो ये बात सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी सबसे पहले एक आग का गोला थी और फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती गई। परंतु अग्निकाल में मुझे जीवन भी मिलेगा, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब जल्दी जाओ शक्तिमान, समय कम है, और जाकर देखो इस हिम युग में तुम्हें दूसरा चक्र मिलता है या नहीं। हाँ। जब आग में जीवन था तो बर्फ में भी जरूर होगा, परंतु यहां मुझे दूसरा चक्र मिल पाएगा या नहीं ये देखना है।
इसके सर पर चक्र है, यानी मेरा सोचना सही था। बंधन बहुत शक्तिशाली है इन किरणों का। क्या जगह है, किसकी जगह है ये? जिस तरह से किरणों से बांधकर मुझे यहां पर लाया गया, उससे तो यही लगता है कि ये किसी वैज्ञानिक की लैब होनी चाहिए। मगर यहां पर लैब कहां से आ सकती है? हिमयुग में वैज्ञानिक लैब कैसे हो सकती है? हिमयुग में तो हिममानव रहते हैं, जिनकी अभी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। ये इसके साथ क्या हो रहा है? कोई भी नजर नहीं आ रहा, फिर क्या हो रहा है इसके साथ? आ क्यों नहीं रहा है शक्तिमान? कितनी देर हो चुकी है उसे गए हुए? कहीं यहां भी तो किसी संकट में नहीं फंस गया शक्तिमान? ओ माय गॉड, नहीं, इस बंधन को तो मुझे तोड़ना ही होगा। कौन हो तुम लोग? पहले तुम बताओ तुम कौन हो, ब्रह्मांड के किस ग्रह से आए हो पृथ्वी पर? हमारी इजाजत के बिना इस ग्रह पे आने का अंजाम देख लिया? हम तुम्हें लाए हैं बांधकर, अब बताओ किस ग्रह से आए हो? मैं किसी ग्रह से नहीं आया हूँ, इसी ग्रह पृथ्वी का वासी हूँ मैं। तुम लोग बताओ तुम लोग कौन हो? हमसे चालाकी करते हो? तुम पृथ्वीवासी हो? तुम्हें मालूम है पृथ्वी पर कौन बसते हैं? जानवर, ऐसे जानवर जिनके पास जरा सा भी विकसित दिमाग नहीं है, भाषा भी नहीं है पृथ्वीवासियों के पास। और तुम कहते हो कि तुम पृथ्वीवासी हो? सीधे से बता दो किस ग्रह से आए हो तुम और तुम्हारा क्या मकसद है? कहा ना मैं इसी ग्रह का वासी हूँ। रुक जाओ, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम लोगों का, सचमुच मैं इसी ग्रह का वासी हूं, परंतु तुम लोगों के काल का नहीं हूं। तो लाखों साल बाद के समय से आया हूं मैं, भविष्य से समय की यात्रा करके तुम्हारे काल तक आया हूं मैं। क्या भविष्य से समय की यात्रा करके आए हो? हाँ। यानी हमारा बनाया हुआ इंसान एक दिन इतना विकसित हो जाएगा कि समय यात्रा करने लगेगा? आपका बनाया हुआ इंसान मतलब? मतलब पृथ्वी पर इंसान को इंसान बनाने वाले लोग हम ही हैं। इंसान को इंसान? हाँ, इंसान को इंसान। एक इंसान इंसान बनता है दिमाग से, वरना जानवर और इंसान में फर्क ही क्या? देखो जैसे ये है। मगर आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं इसके दिमाग को, न्यूरॉन, यानी कि इसके दिमाग की कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्राणी के मस्तिष्क की कोशिकाओं में न्यूरॉन की संख्या अधिक होती है, वो प्राणी उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। हाँ, साथ ही भाषा का ज्ञान भी विकसित कर रहे हैं इसके दिमाग में। थोड़ी देर बाद हम इसको वहीं ले जाकर छोड़ आएंगे जहाँ से इसको लेकर आए थे। आपका मतलब है यहाँ से ये पूर्णतः विकसित मस्तिष्क वाला मानव बनकर जाएगा? पूरी तरह से नहीं, हम इसके दिमाग में केवल विकास के बीज डाल रहे हैं ताकि इसकी संतान इससे अधिक विकसित हो, और ये विकास का क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। यानी पूरा विकसित होने में मनुष्य को हजारों लाखों बरस लगेंगे, ऐसा हमारा मानना है, और हमारा मानना गलत नहीं है। उसके सबूत के तौर पर तुम खड़े हो। इसके दिमाग में विकास के जो बीज हम डाल रहे हैं, तुम उसी का परिणाम हो। सचमुच हमें पृथ्वी के भविष्य के मनुष्य को देखकर आज कितनी प्रसन्नता हो रही है। और मुझे भी पृथ्वी के मनुष्य के जन्मदाताओं को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। शक्तिमान, शक्तिमान नाम है मेरा,
आप लोगों ने भी अब तक नहीं बताया कि आप लोग कहाँ से आए हैं। हम लोग टाइना ग्रह से आए हैं शक्तिमान। टाइना ग्रह? हमारी नजर जब पृथ्वी पर पड़ी तो हमने जानवरों को देखा, उनमें इंसान भी थे। हमें लगा कि उन्हें विकसित मनुष्य बनाया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर अनुसंधान शुरू किया। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे टाइना ग्रह के समान पृथ्वी पर भी सभ्यता का विकास हो सके। वो होकर रहेगी। लेकिन तुम समय यात्रा क्यों कर रहे हो? भविष्य को बचाने के लिए। भविष्य के पृथ्वी पर प्रेतोला ने कब्जा कर लिया है। प्रेतोला? ब्रह्मांड का वो महापिशाच? फिर तो शक्तिमान, वो पृथ्वी को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इसीलिए मैं समय यात्रा कर रहा हूँ। समय यात्रा से मुझे 8 जीवन चक्रों को हासिल करके अपने समय में ले जाना है, तभी पृथ्वी से प्रेतोला को हटाया जा सकता है। मैं जीवन चक्र हासिल करने के लिए ही हिमकाल में आया था। तो फिर तुम फौरन जाओ शक्तिमान, यहाँ पर अधिक समय तक रुकना तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अलविदा। ऐसी चाल, गोल गोल घूमकर, इसकी तो हमने कल्पना ही नहीं की थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पृथ्वी का मनुष्य एक दिन इतना विकसित हो जाएगा। पता नहीं यहाँ भी जीवन चक्र मिलेगा या नहीं शक्तिमान को। देवी जी बहुत देर कर रहे हैं शक्तिमान। क्षमा करना, पृथ्वी के हित के लिए आवश्यक था। मिल गया, दूसरा चक्र भी मुझे मिल गया, और साथ ही अपने जन्मदाताओं से भी मुलाकात की मैंने। जन्मदाताओं से मतलब? इंसान पृथ्वी पर बुद्धिमान प्राणी खुद ब खुद नहीं बना है, बल्कि बनाया गया है। बनाया गया है, मगर किसने बनाया है? टाइना ग्रह से आए हुए परग्रहियों ने। क्या? हाँ, पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के दिमाग को विकसित करने वाले वही हैं। मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। वो इंसान के दिमाग को विकसित कर रहे हैं। वाओ, इट्स सो अमेजिंग शक्तिमान। हाँ गीता, यदि इस समय उन्होंने इंसानी दिमाग को विकसित नहीं किया होता तो पृथ्वी पर मानव प्राणी इंसान के रूप में होता ही नहीं। खैर, दो चक्र तो मुझे मिल ही गए हैं, मगर 6 चक्र और बाकी है शक्तिमान। शक्तिमान, उन चक्रों को ढूंढने के लिए हमें और कहां कहां जाना होगा? सब चक्रों के बारे में तो मुझे नहीं पता गीता, पर तीसरे चक्र के लिए हमें जलकाल ही जाना होगा। जलकाल? हाँ, हिमकाल के बाद का काल, जब पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी था। चलो द्विज, हो सकता है वो तीसरा चक्र हमें वही मिल जाए। चलो। शक्तिमान, यही है जलकाल। हाँ द्विज, मैं जाकर ढूंढता हूँ तीसरे चक्र। वो रहा तीसरा चक्र, सुनहरी मछली। तीसरा चक्र भी मिल गया द्विज। यस, अर्थात अब आदिकाल में जाना होगा। हाँ द्विज, आदिकाल ही क्यों? गीता, आदिकाल चौथा काल है। देखो, सबसे पहले अग्नि काल था, जब चारों तरफ अग्नि ही अग्नि थी। वो अग्नि धीरे धीरे ठंडी होती गई और बर्फ में परिवर्तित हो गई, और उसका नाम पड़ा हिमकाल। हिमकाल के बाद में हिम
धीरे धीरे पिघलता गया और फिर जल में परिवर्तित हो गया और उसका नाम पड़ा जलकाल, जहां से मैं अभी होकर आ रहा हूं। उस जल में धीरे धीरे जीव जंतु बने, पेड़ पौधे बने और इस तरह से उसका नाम पड़ गया आदिकाल। त्विच, इस आदिकाल में ही हमें मिल सकता है वो चौथा चक्र। जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि आठों चक्र मिलने से पहले ही शक्तिपुंज तक पहुंच जाए वो किलविश। अंधेरा कायम हो गया, आखिर अंधेरा कायम हो ही गया। नहीं दमराज किलवेश, नहीं, पूरी तरह अंधेरा कायम नहीं हुआ है। क्या मतलब? मत भूल, तूने अभी तक आधे शक्तिपुंज को ही मेरे हवाले किया है, यानी पृथ्वी की आधी आत्मा पर ही मेरा कब्जा है। आधा कब्जा है तो पूरा भी हो जाएगा प्रेतोला। अंधेरे के नुमाइंदे ढूंढ रहे उसे और मिलते ही यहाँ ले आएंगे। मगर कब, कब लाएंगे? तूने मेरी भूख को जगाया है तमराज, और मेरी भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक मुझे पृथ्वी की पूरी आत्मा नहीं मिल जाती। तमराज, मुझे जल्द से जल्द पूरा शक्तिपुंज चाहिए, पूरा शक्तिपुंज चाहिए। चिल्ला मत प्रेतोला, ये मत भूलो कि तुम तमराज किलविश के सामने खड़े हो। तुम्हें ही नहीं, अंधेरे को भी बहुत जल्दी है शक्तिपुंज के दूसरे भाग को पाने की। हमारे नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उसे ले भी आएंगे। तब तुम अपनी भूख शांत कर लेना, मगर तब तक तुम्हें इंतजार करना ही होगा प्रेतोला। ठीक है तमराज किलवेश। पता नहीं कहां छिपा कर रखा है सूर्यांशियों ने शक्तिपुंज के आधे भाग को। पता नहीं अब तक आठ चक्रों का समाधान ढूंढ पाया होगा भी या नहीं शक्तिमान। यहाँ तो हमारे आते ही हमें जीवन दिख गया शक्तिमान। जीवन ही नहीं, चौथा जीवन चक्र भी दिख गया है द्विज। ये लोग क्या कह रहे हैं? शायद ये लोग हमें आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता समझकर हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमें झटके क्यों लग रहे हैं कुछ? मुझे लगता है कोई हमें अपने समय में खींच रहा है शक्तिमान। शक्तिमान देखो, हम गायब हो रहे हैं। देखो शक्तिमान, हम गायब हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कहाँ आ गए शक्तिमान? पता नहीं, तुम्हारे हाथ में समय यंत्र था ना? अभी अभी तो तुम्हारे पास था, कहाँ चला गया? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। ढूंढो, यहीं कहीं गिरा होगा द्विज, ढूंढो उसे। वोरा, शक्तिमान वो समय यंत्र तो अदृश्य हो गया। अदृश्य हुआ नहीं है, किया गया है। किसने? उसी ने जिसने हमें हमारी समय यात्रा से खींचकर अपने समय में ले आया है। लेकिन शक्तिमान, ये कौन सा समय हो सकता है?
ये तो नहीं पता, परंतु जिस किसी ने हमें अपने समय में बुलाया है वो नहीं चाहता कि हम अपने समय में वापस जा सके, इसीलिए उसने द्विज के समय यंत्र को अदृश्य कर दिया है। लेकिन वो कौन हो सकता है शक्तिमान? ये तो उसके सामने आने से ही पता चलेगा गीता, परंतु वो जो कोई भी है अवश्य बहुत शक्तिशाली है। ही गए, आज हमारा इंतजार पूरा हो गया। हमने तुम्हें आखिर अपने पास बुला ही लिया। आज हमें इतनी खुशी हो रही है जितनी किसी प्यासे को पानी मिलने पर भी ना हो। अरे कोई है? महारानी की जय हो। अरे सुना तुमने? वो आ ही गया, आखिर वो आ ही गया। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ, जल्दी जाओ, वो अकेला जंगल में हमारा इंतजार कर रहा है। वो और कितना इंतजार करेगा? नहीं, कहीं हमसे नाराज हो गया तो? नहीं, उसे हमसे नाराज नहीं होने देना है। जाओ जल्दी से उसे फौरन लेकर आओ। हाँ, लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी महारानी। आखिर तुम हमको मिल ही गए, तुम आ ही गए लौट कर। हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं शक्तिमान। ना तो हमें ये पता है कि हम किस काल में आ गए, और ना ही हमें ये पता है कि हमें यहाँ बुलाने वाला कौन है। क्या करें? हमें बुलाने वाला शायद हमसे मिलने आ रहा है। उस ओर से आ रहा है शक्तिमान। कौन हो तुम लोग? आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलिए, महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। ओह, तो तुम्हारी महारानी ने हमें अपने काल में बुलाया है। कम से कम ये तो बताइए कि हम किस काल में हैं? ये कौन सा समय है? प्रश्न मत कीजिए, हमसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। जो भी पूछना हो महारानी से पूछिएगा। आइए घोड़ों पर बैठिए। और यदि हमने इनकार कर दिया तो? अंजाम तुम्हारे सामने है। ऐसे अंजाम काफी नहीं है शक्तिमान को मजबूर करने के लिए, मगर फिर भी हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है तुम्हारी महारानी और क्यों उसने हमें बुलाया है। क्या कहा तुमने? तुम हमसे मिलना चाहते हो? हम भी तो कब से तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें क्यों इतने सालों से हमारी याद नहीं आई? हमें तुम्हें बुलाना पड़ा ना। कोई बात नहीं, आखिर तुम आ ही गए ना हमसे मिलने के लिए। आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
मकर, ये कौन तुम्हारे साथ आ रही है और क्यों आ रही है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा कोई। तुम अकेले आओगे, हमारे लिए तुम अकेले यहाँ आओगे। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है शक्तिमान। अब इस आफत से तो निपटना ही होगा गीता, बिना समय यात्रा यंत्र के हम वापस नहीं जा सकते, और वो समय यंत्र अवश्य इनकी महारानी के पास ही होगा। मगर उस महारानी ने हमें बुलाया क्यों है? मुझे तो बहुत बड़ी जादूगरनी लगती है। अब इन प्रश्नों के उत्तर तो उनसे मिलने के बाद ही मिलेंगे द्विज। पता नहीं उससे मिलने के लिए हमें और कितना सफर तय करना पड़ेगा शक्तिमान। सिर्फ शक्तिमान आकर मिलेगा हमसे और कोई नहीं, नहीं। हो गया है वो, मैंने उसे अकेला कर दिया है, अकेला हो गया है वो, अब यहाँ आएगा, आएगा यहाँ। द्विज, गीता और वो महिला सैनिक कहाँ चले गए वो सब? अच्छे लग रहे हो तुम। तुम्हारे साथ कोई रहता है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसलिए हमने उसे हटा दिया। अब तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें अब हमारे साथ रहना है, हमारे लिए रहना है। कोई है? महारानी की जय हो। सुना, अकेला हो गया है वो, हमारे लिए, हमने उसे अकेला कर दिया है। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, भेजो किसी को, लेकर आओ उसे। जी महारानी। अकेला है वो वहां, हमारे लिए, लेकिन हम भी तो हजारों सालों से अकेले हैं। उसके लिए दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा किसी का भी। आखिर कहां गायब हो गए वो सब? पहले समय यात्रा यंत्र का गायब हो जाना, बाद में द्विज और गीता का घोड़ों समेत गायब हो जाना, रहस्य उलझता जा रहा है। परंतु किसी भी तरह से उन्हें ढूंढना तो होगा ही। ये तो उसी महारानी के महिला सैनिक हैं, परंतु इनके साथ भी गीता और द्विज नहीं है। आप चलिए हमारे साथ। मेरे साथ जो दो लोग थे वो कहाँ हैं? वो राजमहल में हिफाजत से हैं। राजमहल? राजमहल कैसे पहुंच गए वो लोग? वो तो घोड़ों समेत गायब हो गए थे। इन सब सवालों के जवाब महारानी जी खुद आपको देंगी। आप चलिए हमारे साथ।
कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मगर गड़बड़ क्या है यह जानने के लिए इनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगे आप? चलिए घोड़े पर बैठिए। चलिए, मुझे जाने के लिए घोड़े पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो वही महारानी का महल लगता है जहां मुझे जाना है। अरे, अरे तुम भी हमारे लिए पागल हो, तुम भी हमसे मिलने के लिए बेकरार हो, इसीलिए उड़कर आ रहे हो ना। आ जाओ जल्दी आ जाओ, हमसे मिलने के लिए जल्दी आ जाओ। एक बार तुम आ जाओगे ना यहाँ, फिर कभी कभी लौट के नहीं जा पाओगे। आ जाओ जल्दी आ जाओ, उड़ के जल्दी आ जाओ हमारे पास।